वेलकम टू माय चैनल बी क्रिएटिव। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू डिज़ाइन मीडिया किट, हाउ टू डिज़ाइन वर्कशीट एंड हाउ टू डिज़ाइन इनवॉइस। ठीक है, मीडिया किट क्या है, वर्कशीट क्या है, इनवॉइस क्या है, इसको मैं साथ साथ आपको डिटेल्स में बताती रहूँगी। इससे पहले कि हम इस ट्यूटोरियल की तरफ मूव करें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों के पास कोई अच्छे सजेशंस हैं, ठीक है, यू कैन टेल मी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपने सजेशन। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने मुझे सजेशन बता दिए तो मैंने उसको मतलब कि नेगेटिव में ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपने सजेशन देंगे। इंसान को हमेशा अपनी इम्प्रूवमेंट ही करनी चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक परफेक्शन। ठीक है, सजेशन देंगे तो इंसान को अपनी मिस्टेक्स का पता चलता है, इंसान आगे से आगे बढ़ता है। नाउ लेट्स स्टार्ट मूव टू मीडिया किट। मीडिया किट की तरफ हमने किया इस टाइम टू अपलोडिंग, डिफरेंट टेम्पलेट्स अपलोड करेगा। मीडिया किट होती क्या है? बेसिकली मीडिया किट्स में ये डिफरेंट से टेम्पलेट आ गए हैं। इसमें मैं आपको एक डिज़ाइन भी करूँगी और साथ में बताऊँगी बीसी कि मीडिया किट होता क्या है। मीडिया किट में हम एक मिनट, मीडिया किट फ्री लिख लें, मीडिया किट फ्री। फॉर एग्ज़ाम्पल मीडिया किट फ्री में हम एक पर्सन है, ठीक है, उसमें उसके सारे इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका पेज है एफ पे और इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, उसमें उसके सारी डिटेल्स लिखे हैं, उसके कितने फॉलोअर्स हैं, कौन कौन उसे फॉलो करता है, कितनी ऑडियंस है, ईच एंड एवरीथिंग, उससे रिलेटेड सब कुछ उसमें लिखा होता है। नाउ मूव टू दिस, जी ये द लाइट फंटास्टिक, इसमें उसने सर्विसेज अपने से रिलेटेड बताई हुई है। ये एक ब्रांड है, ठीक है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग अपनी सर्विसेज बताई हुई है, उससे रिलेटेड सब कुछ गाइडलाइन किया हुआ। मीडिया किट में नीचे ये अबाउट मी। नाउ हम इसका थोड़ा सा नाउ अगेन हम जाते हैं मीडिया किट की तरफ और इसमें हम मीडिया किट फ्री, मीडिया किट फ्री को सर्च करते हैं। ठीक है, इसमें से हम एक अच्छा सा टेम्पलेट ले लेते हैं, गेरा बोथ में ये मैं देखती थी, अप्लाई बोथ पेजेस करते हैं और इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं 50। ठीक है, इधर आप अपना नेम लिख लें। ठीक है जी, जैसे कि हम लिखते हैं रसीम जफर, ये मेरे टीचर हैं, ठीक है, इनका हम बताते हैं क्या है। ये है कि EIOU के इंस्ट्रक्टर हैं, इंस्ट्रक्टर प्लस कंपनी को भी एक इन्होंने ज्वाइन किया, वो भी करते हैं, उससे रिलेटेड भी है। ठीक है जी, अबाउट मी, इधर उनकी पिक्चर हम लगा लेते हैं, अपलोड्स पे जाएंगे। एप्स फोल्डर नो ये अपलोड, सॉरी, इधर से हम पिक्चर्स लगा देंगे। अपलोड्स यहाँ पे हम पिक्चर लगा देते हैं, देन उनके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह हम सारी ऐड कर देंगे। ठीक है, ये एडजस्ट होगी खुद ही। अबाउट मी में सारा कुछ उन्होंने इंफॉर्मेशन सारी लिख देनी है। ठीक है, अबाउट मी, इसके बाद 2.4 मिलियन से वेबसाइट है, 2.2 मिलियन फॉलोअर्स, 27K ट्वीट्स। ठीक है, अबाउट माई ब्लॉग या अबाउट माई लाइफ, इसके अंदर कोई भी हम लिख लेते हैं, माई लाइफ।
was seen in life. इसके अंदर आप अपनी लाइफ के बारे में भी लिख सकते हैं और फर्दर कोई एडवेंचर के बारे में लिख सकते हैं, अपनी सक्सेस के बारे में लिख सकते हैं कि आप कितना सक्सेसफुली हुए, कौन से अचीवमेंट्स आपने हाँ रिसीव की हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ब्लॉग ऑडियंस, ठीक है, अगर हम चेंज करते हैं ब्लॉग ऑडियंस की जगह लिखते हैं हम ब्लॉग वेबसाइट ऑडियंस, पेज और एफबी पेज ऑडियंस, फेसबुक पेज ऑडियंस, ठीक है, उसको ब्रेक करके ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सारा कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह लिख लेते हैं, इसके अंदर पिक्चर चेंज कर सकते हैं, टेम्पलेट्स, फोटोज, फोटोज में कोई भी अच्छे से पिक्चर्स यूज़ कर लेते हैं, ये वाले लगा देते हैं, इसकी भी चेंज कर लेते हैं, इधर ये लगा देते हैं, ठीक है। ब्लॉग ऑडियंस वही एफबी पेज ऑडियंस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेज, उसकी सारी इंफॉर्मेशन है, विजिटर्स वगैरह किए हैं, ईच एंड एवरीथिंग, व्हाट आई एम फ्रॉम माय ब्लॉग, व्हाट आई एम, द फ्यूचर ऑफ माय पेज, ईच एंड एवरीथिंग, इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन वगैरह ऐड कर देंगे। देन हम मूव करते हैं डाउनलोड, ठीक है, ये पीडीएफ की सजेशन दे रहे हैं, ओके डाउनलोड पे मूव कर दिया, हम इसको डेस्कटॉप पे रख लेते हैं सेव, ठीक है। नाउ मूव टू चलते हैं वर्कशीट, वर्कशीट क्या होती है बेसिकली, बच्चों की आपने वर्कशीट देखी होगी ग्रेड वन से लेके ग्रेड टेन तक, टेंथ तक तो खैर वर्कशीट नहीं होती, ग्रेड वन से लेके फाइव तक ये डिफरेंट वर्कशीट्स हैं, स्पेशली टीचर्स के लिए बहुत सूटेबल है, अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस यहाँ से वर्कशीट उठानी और कोई काम कर देना, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं वर्कशीट, फ्री में लिखते हैं कोई भी, इसमें इंग्लिश अवेलेबल है, मैथमेटिक्स की है, साइंस की है, जो से भी आपको अवेलेबल चाहिए आप ले सकते हैं। नाउ हम इसमें से एक अच्छी सी ये इसको चूज़ कर लेते हैं, पेज इसको इंक्रीज कर देते हैं, साइज 50 कर देते हैं, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है नेम लिखना है स्टूडेंट का, डेट, स्कोर, क्लास, सेक्शन, अंडरस्टैंडिंग द शेप्स, लेट्स ड्रॉ एंड कलर, इसमें आपने ड्रॉ करना है और इसमें कलर्स कर देने हैं, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये सर्कल है और ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये चीज़ें। चलिए हम नेम लिख देते हैं यहाँ पे, नेम अली, ठीक है, सेक्शन ग्रेड टू, डेट डेट हम लिख देते हैं आज 16 June 2020, स्कोर इसमें लिख देते हैं 10 out of 8, ठीक है, ये डिफरेंस सी है। अंडरस्टैंडिंग द शेप्स एंड कलर, बस इसमें से इतना सा काम है और कुछ भी नहीं है, इसको डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ की सजेशन दे रहा है, हमने इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर लिया। देन मूव करते हैं हम इनवॉइस, इनवॉइस बेसिकली क्या होती है, जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, उसके ऊपर हमें सारा कुछ वो हमें इनवॉइस देते हैं, इनवॉइस में उस मेडिकल स्टोर या जनरल स्टोर उसका नेम लिखा होता है, उसका ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, वेबसाइट एड्रेस लिखा होता है, कॉन्टैक्टर्स लिखा होता है, और सेल्समैन और ईच एंड एवरीथिंग, और जो आपने प्रोडक्ट लिखी होती है उसकी क्वान्टिटी, उसकी डिस्क्रिप्शन और प्राइस लिखी होती है, ठीक है। जैसे कि बिजनेस इनवॉइस, सर्विस इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, ठीक है, बिजनेस इनवॉइस में हम चल रहे हैं, ये लिख लेते हैं। चलिए ये एक हमने टेम्पलेट ले लिया, इसका मैं ज़रा साइज इंक्रीज कर लूँ, ठीक है जी। बिजनेस इनवॉइस, इनवॉइस नंबर है, ठीक है, नेम इनवॉइस नंबर होता है, हर इनवॉइस का डेट होती है, ठीक है, ये एक रेस्टोरेंट और बार की है, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। द मीनिंग इज़ ये उस सेल मैन का
नेम लिखा हुआ है और एड्रेस लिखा हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन है ठीक है जी, और ये यूनिट एंड प्राइस है ठीक है, क्वांटिटी मतलब कि और अमाउंट है ठीक है, डिफरेंट अमाउंट एंड देन ये टोटल अमाउंट है ठीक है। चलिए जी हम जो इसको थोड़ा, हम ये बार रेस्टोरेंट की नहीं, हम एक स्टोर की कर लेते हैं, दी मॉल्स को, दी मॉल्स को बिजनेस वाइज ऑर्डर नंबर 1, 2, 3, 4, डेट हम लिख लेते हैं June 20th ठीक है। द बिलिंग एडवाइस नेम लिख लेते हैं, सेल की सेलमैन का नेम लिख लेते हैं हम अली अहमद ठीक है, ये नंबर ठीक है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन आ गई, यूनिट एंड प्राइस की जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी बिकॉज पाकिस्तान में क्वांटिटी ही मैटर करती है ठीक है जी। अमाउंट ड्यू यहाँ पे हम इधर हम लिख लेते हैं प्राइस, प्राइस ठीक है, डिस्क्रिप्शन ठीक है, फोटो सेलर और एजेंट क्वांटिटी, फर्स्ट 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 एक एक उन्होंने परचेज किए ठीक है ठीक है। क्वांटिटी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉकटेल की उन्होंने ली है जी 300 RS का ठीक है, स्टेक उन्होंने ली 500 RS की ठीक है, पोटैटो सैलेड उन्होंने लिखा है 200 RS ठीक है। उसके बाद ये टोटल अमाउंट आ गया ठीक है, 500 और 200 1000 बन गया 1000 RS ठीक है। ये हमारी एक अच्छी सी इनवॉइस बन गई है। इसके अलावा आप इसमें से बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इट्स अप टू यू, चॉइस है आपकी, हम बैकग्राउंड में चले जाते हैं। ये अच्छा सा बैकग्राउंड आप लेना चाहते हैं तो वो यूज़ कर लें, ये देखें इसके बैकग्राउंड पे ये आएंगे, जो ये ब्लू करना चाहते हैं तो ब्लू कर लें। चलें जी हमने ये ब्लू सेलेक्ट कर लिया, देन डाउनलोड, ओके डाउनलोड की तरफ है, देन मूव करते हैं आज हम, ओके इसको सेव कर देते हैं। चलो जी हम रेसिपी कार्ड भी बना लेते हैं, हाउ टू डिज़ाइन रेसिपी कार्ड टूडे, रेसिपी कार्ड्स में इट्स बेटर टू, कुकिंग शोज में डिफरेंस होते हैं ठीक है, रेसिपी कार्ड में बकायदा सारी में रेसिपी कार्ड में अगर आप कोई डिश बनाते हैं, अदर वाइट मीट बनाते हैं या सैलेड ईच एंड एवरीथिंग जो भी बनाते हैं, उसके अंदर आपने अपने सारा मटेरियल लिखना होता है कि क्या क्या इसके लिए हमें चीज़ें रिक्वायर्ड है, देन उसका सारा प्रोसीजर लिखना होता है, क्या चीज़ पहले डालनी है, क्या टाइम देना, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मेंशन हियर। हमने ये मूव किया है रेसिपी कार्ड, रेसिपी कार्ड फ्री ठीक है जी, ये स्वीट एंड कॉर्न चॉकलेट चिप कुकी हेल्दी सैलेड पास्ता ये चॉकलेट चिप कुकीज़, इसको हमने सेलेक्ट कर दिए एंड इसको हम साइज इंक्रीज कर दें ठीक है। ये नहीं जी चॉकलेट चिप कुकीज़ और रेसिपी बाय, जिसकी रेसिपी है उसका नेम लिख लेते हैं, रेसिपी बाय बाय मरियम, शेफ मरियम, शेफ मरियम ठीक है। ये सारा मटेरियल्स उन्होंने बताया हुआ ठीक है, ये डायरेक्शन बताई हुई ईच एंड एवरीथिंग, और फॉर मोर विजिट इसके अंदर आप अपना एड्रेस दे देते हैं पेज का, beecreative.com ठीक है। ये होगी रेसिपी हमारी रेडी, उसके अलावा बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो हम बैकग्राउंड की तरफ मूव करते हैं,
ब्लू देखें कैसा लगेगा। ओके ये स्काई ब्लू करके देखते हैं, ठीक है। चॉकलेट चिप कुकीज़, ठीक है। इसके अलावा आप हम इसका कलर चेंज करते हैं, ये ब्राउनिश में है, हम इसको इसमें करके देखें कैसा है। मैजेंडा में, ठीक है। देन ये सारी चॉकलेट चिप कुकीज़, ठीक है। डाउनलोड कर लिया मूव पीएनजी में, ठीक है। डाउनलोड कर लेते हैं। नाउ टू मूव पॉडकास्ट, चलो जी एक दो तीन चीज़ें रह गई कल के। आई होप सो ट्यूटोरियल में हम ये दो तीन चीज़ें हमारी रह गई ये कवर कर लेंगे। एट द एंड हम मूव करते हैं अपने फॉलोइंग सेट की तरफ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने रेसिपी कार्ड बनाया, ठीक है। इट्स टाइम टू अपलोडिंग, चलो जितने में अपलोड होता है हम उतने में PDF में ओपन कर लेते हैं। सेम ओपन विद गूगल क्रोम, दिस इज़ फाइनल रिजल्ट फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये 2 पेजेस, ठीक है। ये हमारे पास है जी वर्कशीट आ गई, ठीक है। सिंपल सी वर्कशीट है शेप से रिलेटेड, ठीक है जी। ये हमारे पास प्लस इनवॉइस आ गई, ठीक है। ये हमारे पास इनवॉइस आ गई एंड फाइनल रिजल्ट इज रेसिपी कार्ड, ये हमारी रेसिपी कार्ड है। एट द एंड इफ अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, कोई कमेंट्स करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।